देवेंद्र फडणवीस के ऑफिस के बाहर तोड़फोड़ करने वाली महिला के सोसाइटी में कई मामले ऐसे हुए हैं जहां पे वहां के जो नागरिक है वो इस महिला से त्रस्त है। आखिर उस महिला का क्या इसके पीछे का करियर रहा है, क्या इधर भी कुछ हाथापाई हुई है, कोई मामले हुए हैं तोड़फोड़ की? हमारे साथ इस वक्त सोसाइटी के सेक्रेटरी है सर। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए और आप इस सोसाइटी में कितने साल से रह रहे हैं और इस महिला को कैसे जानते हैं? मेरा नाम विनोद खाड़िया है, मैं सोसाइटी का चेयरमैन हूँ और मैं ये सोसाइटी में कम 93 से है। मतलब ये रीडेवलपमेंट में आई है सोसाइटी। लेकिन ये जो लड़की है धनश्री सहस्रबुद्धे, ये मेरे बाजू में ही रहते, मेरा फ्लैट नंबर 603 है और उसका 605 है। लेकिन ये लड़की बहुत अच्छा फैमिली की है, सब फैमिली अच्छे है, वेल एजुकेटेड है, लेकिन उसके वो मेंटली डिस्टर्ब है, इसीलिए उसको ट्रीटमेंट की जरूरी है। और मैं यही आपको आपके चैनल द्वारा और पुलिस यंत्रणा को बोल रहा हूँ कि उसको मेंटली काउंसलिंग करके ट्रीटमेंट करना चाहिए। यही हमारे सोसाइटी पहले ऐसे कुछ हादसे हुए, 10-12 महीने से ये बहुत हादसे हो गए। उसका मोबाइल और सीसी कैमरा में हमारे पास उसके सब प्रूफ है। क्यों ऐसा क्यों कर रही है? उसकी मांग है, भाजपा के ऑफिस के अंदर जाके उसने हंगामा किया, लोकसभा का टिकट चाहिए करके उसको डिमांड किया था। लेकिन हमारे इधर उसका कोई भी डिमांड नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम मेंटली क्रैक है। सोसाइटी में कुछ हाथापाई हुई थी जब चाकू? हाथापाई नहीं, वो हल्ला करती है और कुछ नहीं है। किस पे हल्ला किया? हमारे दरवाजे पे डैमेज किया है, हमारा सीसी कैमरा तोड़ा है, हमारे चाकू हमारे इधर नहीं बाल, लेकिन लोखंडी सली लेके वो आती है, मेरा पंचम हनुमान का मूर्ति उसने तोड़ा है, सब वो मेरे पास सब सीसी कैमरे में है, मेरे सीसी कैमरा 2 बार तोड़ा है। अभी उसको ट्रीटमेंट की जरूरी है। अभी ये जो उसने DCM के मंत्रालय में किया है वो मेंटली इसमें किया है, इसमें कोई लड़की भाई कोई राजकारण नहीं, पॉलिटिक्स नहीं है। ये चाहिए क्या बीजेपी के खिलाफ इतनी नफरत? नहीं, बीजेपी के खिलाफ नहीं है, वो RSS वाले, उसके पिताजी RSS वाले, वो बीजेपी वाली है। तो इतनी नफरत क्यों कर रही है? मेंटली है, कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। रियली वो बीजेपी का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं पॉलिटिकल ये स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूँ, बराबर, मैं सोच समझ के, मेरे बाजू में रहने वाली है, बचपन से मैं उसको जानता हूँ। ये खाली पीली समझाने की कभी कोशिश नहीं? समझाने की वो उसमें कंडीशन में ही नहीं है। हमारे सोसाइटी के बहुत सारे लेडीज लोग ने उसको समझाया है लेकिन समझती नहीं है, क्या करेंगे हम लोग, परेशान है। रात रात को वो हमारे ऊपर हल्ला करती है, सीसी कैमरा लिफ्ट का दरवाजा थाड़ 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 करती है, क्या बोलो अभी बोलो। मैं ये सब उसके प्रूफ मैं गवर्नमेंट को, सरकार को, पुलिस को, कोर्ट में सब जमा करने के लिए तैयार है। हमारे से कोई मदद चाहिए पुलिस यंत्रणा को और सरकार को, मतलब देवेंद्र जी के हस्बैंड। लेकिन मेरा ये विनती है सर, इसमें पॉलिटिकल मत लाना, नागरिकों ने मतलब पॉलिटिकल जो लाया है वो गलत है। खाली पीली देवेंद्र जी के नाम पे उसमें कलंक लग रहा है, बस बाकी कुछ नहीं। बातचीत करने के लिए कैमरा पर्सन जावेद खान के साथ वैभव परब, ABP न्यूज मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.